हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जिसने पूरे देश में प्यार के नाम पर एक बवासीर सी फैला के रख दी है। सही पकड़े हैं। एक मैडम जिनका नाम है सीमा हैदर, चार बच्चों सहित हमारे देश में दो नंबर से प्रवेश कर जाती है। बिना वीजा बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं, ये कोई रंडी गाना है? ये कोई रंडी गाना है? मैडम बताती है सचिन से वो सच्चा प्यार करती है, लेकिन सचिन जैसे इंसान को देखने के बाद मुझे लगता है कि उसके घर वाले भी उसको सच्चा प्यार नहीं करते होंगे। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैडम अपने हस्बैंड को और तीन चार लवर को पाकिस्तान में छोड़कर आ जाती है, लेकिन मैडम यहाँ आने से पहले उनको भी सच्चा प्यार ही करती थी। ये दोनों भोजपुरी वाले दोनों देशों का चूतिया बनाते हुए कहते हैं कि पबजी खेलते समय ये एक दूसरे से दिल दे बैठते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पबजी तो हमारे देश में पिछले 2-3 साल से बैन हो चुका है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे। सीमा हैदर यहाँ आने से पहले पाकिस्तान में एक डांसर की भूमिका निभाती है जो कि कतई जहर है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जैसे कि आजकल हमारे देश के सभी ठल्ले न्यूज चैनल एक ही चीज दिखा रहे हैं, सीमा सचिन सीमा सचिन। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे। जैसे ही ये दोनों चूतिया मिलते हैं एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वहां पर रोमांस करते हुए वीडियो डालते हुए नजर आते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इन दोनों हाउस के पुजारियों को दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता, कई बार तो ये दोनों कैमरे के सामने ही स्टार्ट हो जाते हैं। सचिन भाई साहब का तो ठीक है क्योंकि उन भाई साहब को अपनी जिंदगी में पहली बार हॉल के दर्शन होते हैं, लेकिन ओ गॉड एक बार दिला दे। जैसे ही मैडम के हस्बैंड को पता चलता है तो बेचारा गुलाम हैदर कैमरे के सामने रोता हुआ गवर्नमेंट से अपील करता है कि उनके बच्चों को वापस भेज दिया जाए, लेकिन मैडम जी इस बात पर गौर नहीं करती और उनको ऑन द स्पॉट लाइव आकर बोलती है कि अब वो वहाँ पर कभी भी वापस नहीं जाएगी। मैडम उन्हें छोड़कर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन छोड़ने से मुझे याद आया हमारे देश की एक ज्योति मौर्या वाली न्यूज़ बिल्कुल ही फीकी पड़ जाती है जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे ही ज्योति मौर्या मैडम एसडीएम बनती है तो वो दूसरे अफसर के साथ रंग रंगलिया बनाती हुई पकड़ी जाती है। क्या हुआ? लगता है मेरा पति आ गया, भागो। एक मिनट, तेरा पति तो मैं हूँ तो तुम मुझे भागने को क्यों बोल रही कमीनी? शरीफ सी शक्ल वाले आलोक मौर्या को जब यह सब पता चलता है तो बेचारा ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने आकर अपनी बीवी की करतूत को बताता हुआ रोने लग जाता है। कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। लेकिन एसडीएम मैडम अपने आसिक के साथ मिलकर अपने पत्नी आरोप मौर्या को जान से मारने की धमकी देती है और उनके ऊपर दहेज का केस भी कर देती है। देवा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन मैडम का इन सब पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो इन सबको चूतिया मानने लग जाती है और 11-12 साल भाई साहब के मजे लेकर और 2 बच्चे पैदा कर मैडम अब उनके ऊपर दहेज का केस कर देती है। क्या बोला क्या बोला? इन दोनों औरतों में आपको एक ही चीज कॉमन दिखाई देगी, वो है धोखा। एक मैडम अपने पति को चूतिया बनाती है तो पूरी देश को। रोती थी औरत पे और दूध वाले पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। भाई साहब अब पाकिस्तान भी कहां कम रहने वाला था, अगर उनकी औरतें आप अपने देश में बुलाओगे तो वो भोसड़ी वाले भी पीछे टिकने वाले नहीं है। अभी आपको एक न्यूज देखने को मिल रही होगी कि अंजू नाम की औरत एक अपने आदमी को छोड़कर पाकिस्तान किसी नसरुद्दौला के प्यार में चली जाती है। ब्यूटीफुल। मैं सभी भोजपुरी वाले शादीशुदा आदमियों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी पत्नियों का ख्याल रखें और उनसे प्यार करें, क्योंकि शादीशुदा औरतों को ही प्यार होते हैं। मैंने आजकल अभी तक कहीं भी इतना ज्यादा खौफ जो है कुंवारी लड़कियों का नहीं देखा जो एक देश से दूसरे देश जाती हूँ वो भी प्यार के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जाजी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय। वो है